है जी पिंजर पड़ो परिवार नो कोई कबूजत जन मेरे तन की वेदना साया तपत बुझावा हूँ रे दर्शन बिना बालम घरे साजन घरे बंदो भूलो तारी बंदगी साया सूरत बताऊं रे दर्शन बिना बावरी मौलाना हाजिर इमाम पे शुरुआत पढ़ो मोमिन अल्लाह हम सब दूसरी रस्म कबीर जी इत्मीनान में फरमाते हैं कि मौला लक्ष्य राशि का फेरा फिर फिर के घूमते घूमते मैं इस जीवन में आया तो यहाँ भी आके मैं फंस गया। परिवार का मुझे पिंजर पड़ा मगर दुनिया ऐसी गफलत में पड़ी है कि लोगों को ये ख्याल नहीं है कि वो दुनिया में किस हालत में हैं। कोई बूझत जन किसी किसी को इस हकीकती चीज की समझ है कि वह दुनिया के अंदर एक प्रिजनर है, एक कैदी है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1945 में दार सलाम आए। दार सलाम में हजरत इमाम ने एक मिशन कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। उस मिशन कॉन्फ्रेंस में साहब ने जो ओपनिंग लेक्चर दिया वो मिनट मिलती है पढ़ने जैसी है। इमाम उसमें फरमाते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम हमेशा फरमाते थे कि मैं इस दुनिया के अंदर एक कैदी हूँ। इमाम और नबी शरीयत के बंधन से ऊंचे होते हैं। इमाम और नबी दुनियादार इंसान नहीं होते मगर उनके फरमानों में जो इंसानी तरीके की जो चीजें हैं वो हमको सिखाने के लिए फरमाते हैं। वो लोग गुनहगार नहीं होते। मौला अली भी को दुनिया में कैदी नहीं थे लेकिन हमको बताने के लिए उन्होंने ऐसा फरमाया कि मैं खुद को भी यहाँ एक कैदी की हैसियत में समझता हूँ। जैसे कि खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1899 के फरमानों में जंजीबार के अंदर और एक दफा वडवान किंग के फरमानों में फरमाया कि हूँ पोते आ दुनिया की बेजार छू। एक माँ अपने बच्चे के साथ तोतली भाषा में बात करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो माँ है वो भी तोतलाती है। वो खुद की लेवल को नीचा करके बच्चे की लेवल तक लाती है ताकि बच्चा उसको समझ सके। हमारे नबियों ने, इमामों ने, पीरों ने ऐसा ही किया कि उन्होंने आम इंसानी लेवल के हिसाब से बातें की। गुरबीर सिंह कबीर जी माँ बाप जो थे जिनका मैंने ये गिनान बोला उनकी दुआ बंदगी के कारण से तो हम लोगों की मुक्ति और नजात है लेकिन फिर भी पीर ने ये गिनान हमारे लिए फरमाए कि या मौला परिवार का फैमिली का बंधन पिंजरा पड़ गया लेकिन ये बात किसी को पता है
और तू आके इस बंधन में से हमको निकाल। मन की जो त्रपत है, त्रपत कहते हैं जलापे को, तरस को भी त्रपत कहते हैं, बुझाना, तरस बुझाना, जलापा निकालना, मन शांत हो जावे तो कहते हैं मेरी त्रपत बुझ गई, यानी मेरी प्यास बुझ गई। या मौला तू मेरा मालिक है, मेरे घर पे आ, मैं दर्शन के बगैर बांवरी हो रही हूँ। तीनों के इस किस्म के जो ज्ञान और कलाम है वो हमारे अंदर रूहानियत पैदा करने की चीजें हैं, ताकि हम दुनिया की मोह ममता माया मौज शौक में फंस के गाफिल न बन जाएं। शराब की एक बोतल पी लेने से इंसान की अकल जैसे गुम हो जाती है, ऐसा ही दुनिया के अंदर माल, दुनिया की ऐश आराम, बीवी बच्चे, ये सब चीजें इंसान के लिए रूहानी नजर में बंधन की तरह है, कैद की तरह है। हम लोग इस दुनिया में सचमुच कैदी हैं, प्रिजनर हैं, इसलिए कि इन तमाम चीजों से बंधे हुए हैं। जब पेट खाली होता है तो उस वक्त इंसान को खाना सूझता है, प्यास लगती है तो पानी के पीछे भागता है। इसी तरह से दुनिया के अंदर इंसान और कितनी भी चीजें उसके साथ लगी हुई हैं, उसकी उसे समझ नहीं। जब उसे समझ आती है उसके अंदर की आंखें तब खुलती हैं। तो फिर का कहना कि ये जो दुनिया में मैं फंस गया, या मौला इसमें से तू मुझको निकाल, क्योंकि मैं अकेला इस लायक नहीं कि मैं निकल सकूं, तू मेरा हाथ पकड़। इस दुनिया के लिए, दुनिया की मोह ममता के लिए हमारे ज्ञान भरे हुए हैं। इस्माइली मजहब जो है वो रूहानी मजहब है, इस्माइली मजहब है वो बातूनी मजहब है। इस्माइली मजहब के अंदर अलबत्ता शरीयत जरूर है, लेकिन हमारी सारी इबादत बंदगी, हमारे मजहब की जितनी भी क्रियाकर्म और इतर रस्म है, मोमिनो उसका एक ही एम है कि अपनी रूहानियत को ऊंचा करो, रूहानी प्रोग्रेस करो। हमको मौला नहीं कहता कि तुम दुनिया छोड़ के जंगल में जाओ और इबादत करो। हमको मौला नहीं कहता कि तुम शादी ना करो। हमको मौला नहीं कहता कि तुम बच्चों की देख रेख न रखो, बल्कि ये सब चीजें हमारे ऊपर फर्ज डाल दी गई। ये चीजें हमारे लिए परीक्षा है कि तुम दुनिया के अंदर रहो, बीवी बच्चे वाले बनो, बिजनेस वगैरह करो, मैं देखूं कि तुम्हारा दिल इन चीजों में फंस जाता है कि ये चीजें हैं फिर भी तुम मुझे याद करते हो। ये दुनिया हमारे लिए एक किस्म की परीक्षा है। कुरान पाक में फरमाया है ये दुनिया पुल सरात है। पुल सरात में क्या है? नबी को पूछा, या नबी पुल सरात क्या है? रसूल फरमाते हैं कि इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में एक पुल है। इस पुल के नीचे दोजख है और उस तरफ जन्नत है, और यह पुल तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से भी ज्यादा बारीक है। ऐसा समझ लो कि एक वायर के ऊपर चलना है, जरा सा भी बैलेंस छटका तो नीचे दोजख में गिर जाओगे। ये पुल ऐसा बारीक है, एक वायर का टुकड़ा है जिसके ऊपर से चलना है। तो इस पे चलने के लिए खुदा की मदद चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। रसूल फरमाया जो मोमन होगा वह राजी खुशी से इस पुल में से पार हो जाएगा, मगर जो अधूरे और काफिर होंगे वो गिर पड़ेंगे और चले जाएंगे दोजख में। दोजख का मतलब दुख, मन का जलापा दोजख है। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया हमारे लिए एक परीक्षा की चीज है, एक एग्जामिनेशन का हॉल है। बीवी से मोहब्बत करो, शोहर से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत रखो, वडीलों की इज्जत मान रखो, खाओ पियो, थक जाओ तो आराम भी करो, कभी कभी घूमने भी चले जाओ, अपना बिजनेस रोजगार भी करो, ये सब चीजें होंगे, लेकिन मन जो है वो मौला के पास रहना चाहिए। तो वो सच्चा मोमन, अगर ये सब चीजें इसके अंदर जो फंस गई, दिल अगर फंस गया तो फिर मौला भुलाया जाएगा। मौलाना अली शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दफा अपनी पीरी जोत के अंदर
वाड़ी के जमात खाने के बाहर बैठे थे। मौलाना अली शाह माँ बाप जब भी पीर थे तो उनके बहुत से फरमान हुए, अमुक फरमान लिखे हुए हैं, लेकिन वो जमाने के अंदर रिकॉर्डिंग करने की बात लोगों के पास बहुत कम थी। ये फरमान जो भी मैं आपको सुना रहा हूँ पीरी जोमे का, मेरे दादा की किताब में हाथ से लिखा हुआ है और बहुत दफा मैं अपनी आवाज़ों में बोल चुका हूँ। अली शर्मा बाप फरमाया, आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं। आप कभी कलाम इमाम मुबीन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पढ़ोगे तो वो छोटी उम्र में 8-10-20 बरस की उम्र में भी मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आते थे जमात खाने के अंदर और बैठ के हमको स्टोरियां सुनाया करते थे। कलाम इमाम मुबीन में बहुत सी स्टोरियां हैं इमाम की फरमाई हुई। अली शर्मा बाप फरमाया, एक बादशाह था, उस बादशाह का राज बहुत बड़ा था। बादशाह बड़ा ताकत वाला था, मिलिट्री लश्कर बहुत पावरफुल था। उसके इर्द गिर्द के जितने राजे थे सब उससे दबते थे और उसको सालियाना देते थे। राजा की जो प्रजा थी सब्जेक्ट भी बहुत खुशी थी, खजाना भी भरा हुआ था, लोग दुखी नहीं थे, राजा की आल औलाद भी अच्छी थी। हर लिहाज से बादशाह जो था और उसकी सल्तनत और किंगडम थी वो सुखी थी। एक दिन बादशाह को ऐसा ख्याल हुआ कि मैंने अपनी प्रजा को ऐसा बहुत कुछ सुख दिया तो मैं देखूं कि सचमुच प्रजा ऐसी है कि जो मुझे चाहती है। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। ये सोचकर राजा ने एक प्लान बनाया, गांव से बाहर बहुत दूर अपने कैपिटल से 2-3 माइल दूर बहुत बड़ी जगह उसने कवर की, इर्द गिर्द झाड़ियां लगा दी और उसको कवर करके अंदर उसने बाग बगीचे लगवाए। काफी बरस निकल गए ये चीज बनाने में, अंदर बाग लगाए, पानी की नहरें निकली, फल फ्रूट के दरख्त लगाए। जब ये सब बाग बगीचा अच्छी तरह तैयार हो गया तो उसने इंतजाम किया कि अंदर खाने पीने की, मौज शौक की, नाच गाने की सब चीजें वगैरह रखी जाए। और एक दिन जब ये सब तैयारियां हो गई तो उसने इस बात की अनाउंसमेंट की कि गांव से बाहर मैंने एक बगीचा बनाया है, मैं उसमें जाके छुप जाऊंगा, जो आदमी मेरे को ढूंढ लेगा उसको ये सारा बगीचा, उसका सारा कंप्लीट जो कुछ भी अंदर उसमें सामान है वो सब मैं उसको बख्श दूंगा। और फलाने दिन शाम के वक्त ये गार्डन खोला जाएगा। राजा ने एक ऑर्डिनरी आदमी का कपड़े वगैरह पहन के भेष बदल के उसके अंदर सुबह से ही जाके बैठ गया और जब शाम को गार्डन के गेट्स खुले और प्रजा अंदर गई, बेहिसाब बत्तियां थीं, जगमग जगमग हो रही है, पकवान पक रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, बच्चों के खेलने के सामान जुड़े हैं, कसरत के सामान हैं, कहीं शराब का दौर भी चल रहा है। इस तरह से जब लोग अंदर गए तो गरम गरम चीजों के पकने की बात से उन लोगों को ऐसा हुआ, चलो राजा को तो हम ढूंढेंगे, काफी टाइम है, सुबह तक भूख लगी कुछ खा लो, और हर चीज फ्री थी। कुछ लोग खाने के लिए बैठ गए, खाना खाने के बाद वो उठे, थोड़ी बहुत शराब पी ली, शराब के बाद कुछ जहाँ जुगाड़ खेल रहे थे वहां जुगाड़ में लग गए। कई लोगों को गाने का शौक था तो वो गाने वालों के पास बैठ गए, जिनको डांस का शौक था तो वो डांस पार्टी में चले गए, बच्चे के अपने खेल तमाशे में लग गए, किसी को इलम का शौक था तो चौपड़ियां वगैरह पड़ी थी वहां वो पहुंच गए। गरज के हर एक आदमी की खुद की डिजायर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से राजा ने ऐसा अच्छा बंदोबस्त किया था, सब लोग उसके अंदर लग गए। मौलाना अली शाह बाप फरमाया, एक आदमी को ऐसा ख्याल हुआ
कि मैं जो कभी खाने पे बैठूंगा तो अभी तो मुझे पेट भर के मिल जाएगा, चलो। लेकिन कभी मैं राजा को ढूंढ लूं तो ये सारा बाग बगीचा फल फ्रूट सब मेरा हो जाएगा, तो मैं खामखा टाइम वेस्ट करूं? यार दोस्त कहते हैं चलो भी थोड़ा खा लें, कहते तुम बैठो मैं काम पे है। तो वो लोगों के अंदर से राजा को देखने ढूंढने निकला, आंखों देखे मुंह देखे कि शायद भेष बदल के राजा अंदर ही मिक्सअप हुआ होगा। और बात भी सच थी कि राजा कभी कभी अंदर आके मिक्सअप हो जाता था, कभी जाके उधर बैठ जाता था। राजा ने देखा ये एक आदमी है कि जो मुझे ढूंढ रहा है, तो उससे वो गुम हो जावे, दूर हट जावे और उसको मौका न देवे कि नजदीक आवे। जब वो आदमी हर एक जगह घूमते 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 उस जगह के जहाँ अंधेरा था और वो जगह के जहाँ लोग वगैरह नहीं गए थे उस तरफ जाने लगा, तो राजा भी जाके एक जगह छुप गया। परोड़िए सुबह के वक्त इस आदमी ने राजा को ढूंढ लिया। बादशाह ने पूछा, मैंने इतना शानदार ये बगीचा बनाया, तुम्हें कोई चीज पसंद ना आई? कहते राजा, सब चीजें पसंद हुई लेकिन वो एक ही रात के लिए थी। अब तो ये सब मेरी हो गई ना, क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कहने लगा हाँ। उसने वो सारा बगीचा बादशाह ने उस आदमी को दे दिया। मौलाना अली शाह फरमाया, खुदा ने दाऊद नबी को कहा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरा मन हुआ मैं जाहिर हूँ और पहचाना जाऊं, मुझे कोई प्यार करने वाला, मुझे कोई पहचानने वाला मिले। ये सोच के उस राजा की तरह खुदा ताला ने ये बगीचा बनाया। इस बगीचे के अंदर सब सामान डाले और ये तमाम सामानों के अंदर खुद भी छुप के बैठ गया। कोई पैसे के पीछे है, कोई मौज शौक के पीछे है, कोई बीवी बच्चों के पीछे है, ये कुटुंब कबीले के पिंजरे में हमको मौला ने डाल दिया। और हम उस राजा को भूल गए कि कभी राजा मिल जाएगा तो ये सब हमारा हो जाएगा, वो भूल गए। ये एक मिसाल मौलाना अली शाह महबूब ने दी। और ऐसे कई एक गिनान हैं कि हमको इन गिनानों से पीर जगाना चाहते हैं कि तुम देखो जिस मकसद से दुनिया में आए हो, इस बगीचे में आए हो, वो मकसद भूल मत जाओ। तुम्हारा एम ये पैसा जमा करना नहीं, तुम्हारा एम बीवी बच्चे नहीं, तुम्हारा एम दुनिया की मौज शौक नहीं, तुम्हारा एम तो कुछ और है। और वटवान कैंप के फरमान में फरमाते हैं कि तुम एक मैना को पकड़ लो। मैना एक बर्ड है, कबूतर जितना उसका साइज होता है और काले रंग की होती है। इसको फारसी जबान के अंदर बुलबुल कहते हैं, वो बहुत बोलती है। इसको पकड़ के सोने के पिंजरे में इमाम फरमाया बंद कर दो तो वो खुश नहीं होगी। वो तो ये चाहती है कि मुझे पिंजरे में से निकालो तो मैं उड़ जाऊं। मौला फरमाया, तुम्हारा जो रूह है वो इस बुलबुल की तरह, मैना की तरह है कि इस खूबसूरत शरीर के पिंजरे में बंद हो गया है। ये रूह चाहता है कि निकल के आजाद हो जाए, लेकिन उसको पकड़ के उसके आमाल ने पकड़ के ऐसा रख दिया है कि उसमें से छूटना मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मोह माया मोहब्बत उसको ऐसी फंसा देती है कि फिर उसको पिंजरे में से बाहर निकाले तो भी वो वापस पिंजरे में घुसना चाहती है। ये कहते हैं जी के ना छोरू ने के ना छरू एक नाई ने बाप अंत काले जबू जीवने एक साथे पुनने पाप
हर मन भवरा तू लोभियो। इंसान जब मौत के नजदीक आता है और सामने मलकुल मौत को देखता है, तब उसको ऐसा होता है कि मेरी को मदद करे जो मुझे बचा सके, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं। मौलाना हज़रत इमाम के फरमानों के अंदर भी है कि दो चीजें तुम्हारे साथ जाएंगी, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी बदियां, पाप पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे, सब कुछ इधर रह जाएगा। कोई ऐसा बच्चा होता है कि माँ के पेट में मर जाता है, कोई ऐसा होता है दुनिया में आके थोड़े दिन जी के मर जाता है, कोई दो चार महीने जीता रहता है, कोई 5-10 बरस जीता रहता है, कोई 25-50 बरस जीता रहता है, कोई 100 बरस भी जीता है, फिर क्या। जिस 100 बरस लगी जीवना बंदे आकर मरना भी होई। 100 बरस भी कभी जीना है तो फिर क्या, एक दिन तो जाना है ना। मौत से कोई आदमी इनकार नहीं करता, वो लोग भी के जो काफिर हैं, जो ये कहते हैं कि खुदा कोई चीज नहीं, उनको भी पूछो तो ये एक ऐसी हकीकत है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मौत है और हक है। सिर्फ मजहब वाले लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि मौत के वक्त हमारा हिसाब होगा, और हमारे इमामों के, हमारे पीरों के फरमानों में ये चीज है, मौत के वक्त हमारा हिसाब होगा। सेठ हिसाब मांगेगा, सेठ कहे तुम्हें सांभड़ो फरिश्ता, हे जीवड़ना खाता काढ़ो, ओ जी। पकड़ के ले गए, मौला कहेगा फरिश्ते को लाओ इसका हिसाब लाओ। पाने पाने जीवना पाप ले खाना, माहे धर्म नु अखरना सूचे, ओ जी। जितने भी पेजिस फिराए गए उधर तो सब कर्जा ही कर्जा है, कोई आवक की तो बात ही नहीं, नेकियां दिखती ही नहीं। ये हिसाब किताब जब मौला मांगेगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे। हमको बार 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 खुदा की तरफ से ये जगाने के लिए 1,24,000 नबी आए, उन नबियों ने अपने हाथ के नीचे मिशनरियों को, दाइयों को, पंडितों को, साधुओं को, पादरियों को, ब्राह्मणों को अपने हाथ के नीचे रख के कि जाओ लोगों को जगाओ, लोगों को जगाओ। कोई ऐसा नहीं कह सकेगा खुदा के हुजूर में या मौला मुझे पता नहीं था कि मुझे एक दिन मरना है, मुझे पता नहीं था, ऐसा हम कह सकेंगे। तुमको कहा गया था, कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर खुदा अपनी हुज्जत पूरी ना करे। कभी कोई नबी के हुजूर में नहीं जा सका तो उसका बाप माँ, बाप माँ ने नहीं कहा होगा तो कोई उसका टीचर, कोई टीचर ने नहीं कहा होगा तो दोस्त भी, लेकिन किसी न किसी तरीके से खुदा हर एक आदमी के ऊपर अपनी हुज्जत ड्यूटी पूरी कर देता है। हमें इस दुनिया के अंदर रहना नहीं है हमेशा के लिए। मौलाना हज़रत इमाम ने बरनबी जमात खाने की इस सेरेमनी के अंदर फरमाया, वो फरमान कभी आपके पास है तो मैं मुखी का मैया को हरज करता हूँ कि दोबारा आपको पढ़ के सुनाए जाए। उस फरमानों के अंदर बहुत कुछ मौला फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसी मिस्टेक की कि तुमने अपने जीवन का एम सिर्फ दुनिया की मौज शौक और दुनिया की डेवलपमेंट और मटेरियलिज्म ही अपने जीवन का एम बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, तो याद रखो शैतानी फोर्सेस, इविल फोर्सेस का ऐसा वैक्यूम पैदा हो जाएगा कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसके लिए मैं हमेशा मौला फरमाते हैं, मैं फरमान करता आया हूँ कि दुनिया और दीन
मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ऐसा समतोल बैलेंस रखो कि दुनिया के अंदर भी तुम्हारी ड्यूटियां पूरी होती रहें और दीन के अंदर भी तुम्हारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस चालू रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया के अंदर इतने फंस जाओ कि तुम्हारी रूहानी प्रोग्रेस बंद हो जाए। और मौला फरमाया, ये भी मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ दीन की बातों के अंदर सारी जिंदगी गुजार के और तुम्हारे बीवी बच्चों के और दुनियादारी के जो फर्ज है वो तुम पूरे ना करो और छोड़ दो। एक ऐसा फरमान है इमाम का बॉम्बे में, फरमाया हमारे अंदर इस्माइली मजहब में से जमात में से एक ऐसा ग्रुप निकल गया, उस ग्रुप का नाम है इख्वानुस्सफा। उन्होंने ठंडी के अंदर ठंडे कपड़े यानी कॉटन के कपड़े पहने विंटर में, और जब इस समर आवे तो वूलन कपड़े पहने। ठंडी के अंदर ठिठरते होंगे और गर्मी के अंदर वूलन कपड़ों से इतना पसीना निकले रेब जेब हो जावे, भूखे रहने रोजे रखें और इबादत में ही अपना जीवन गुजारे। मौला फरमाया, मेरी जमात ने ये रास्ता नहीं लिया हमको अपने शरीर के ऊपर दुख दे के और दुनियादारी छोड़ के दुनिया की ड्यूटियां छोड़ के इबादत करने की। हमारे इमामों ने नबियों ने हमारे पीरों ने हमें मनाई की है, ऐसा हमें नहीं करना। दुनिया भी रखो मगर दीन को भूलो नहीं, अपनी ड्यूटी पूरी करो। कभी रात को उजागरा भी किया है तो परोड़िए की इबादत वो उजागरे के कारण से इबादत छोड़ दो दीनदारो। आपने दुनिया की मौज शौक का अगर किया है कि पार्टी है या किसी जगह आप कोई सोसाइटी में गए और रात को 12 एक बजे तक नहीं सोए, तो आपको ये दुनिया की इस रात की मौज शौक की कीमत सुबह की बंदगी से देनी है? वो तो नहीं होना चाहिए। आपकी नजर के अंदर सुबह की बंदगी से वो रात की मौज शौक ज्यादा हो गई कि सुबह उठना ही नहीं? माना थक गए हैं, लेट सोए हैं, तो भी उठो 10-20 मिनट भी। मौला को ऐसा हो गया कि नहीं, मेरा बच्चा सुबह उठा है, मुझे याद किया है। मौला को हमारी इबादत की कोई परवाह नहीं। मौला को हम इबादत करके बड़ा नहीं बना सकते, वो तो बड़ा है ही, और हम इबादत नहीं करेंगे तो वो छोटा होने वाला नहीं है। उसको हमारी कोई चीज की जरूरत नहीं, मगर वो ये देखना चाहता है कि तुम मेरे से प्यार करते हो कि नहीं करते, और कुछ नहीं। इमाम सिर्फ मोहब्बत चाहता है, और जब मोहब्बत होती है तो उसके अंदर ऐसी चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि 60 के अंदर इरिंगा गए। इरिंगा प्रोग्राम ये था कि माँ बाप चंद घंटों के लिए आवे, सुबह 11 बजे आवे, जमत खाने में जावे, धार्मिक काम काज करे, दोपहर का खाना खा के मौला दिया चला जावे। ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम अनाउंस हुआ, वो डेट भी आ गई। प्रोग्राम जब अनाउंस हुआ कि आपकी कल हजरत इमाम की 11 बजे पधरामनी करेंगे और धार्मिक काम काज करके लंच खा के हजरत इमाम चले जाएंगे, जमात खुशी से निहाल हो गई। एक विधवा भाई और उसकी एक ही लड़की, ये दोनों भी उधर थी जमात खाने में, और माँ बेटी दोनों जमात खाने की सेवा करती थी। इतनी सख्त गरीब कि इन्होंने कभी कोई बड़ी चीज के लिए आशा भी नहीं की। मिशनरियों की वाजों के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, जाहिर की भी होती हैं, बातों की भी होती हैं, शरीर की भी होती हैं, आत्मा की भी होती हैं। वाजों का जो बेस होता है वो इमाम के फरमान होते हैं, अल्लाह का कलाम होता है, नबी का कलाम होता है, पीरों का कलाम होता है। सिर्फने के तरीके सबके जुदे हैं मगर असल हकीकत तो वही है। घर जब ही पहुंचे तो घर जाने से पहले
माँ और बेटी एक दूसरे को देखती रही। घर पहुंची तो लड़की कहती है, माँ कल हजर इमाम आते हैं, मैंने आवाज में सुना है मौला को मुर्गी के चिकन के समोसे बहुत पसंद हैं, तो हम मौला के लिए चिकन के समोसे कर रखें। दूसरे दिन का जो लंच था वो मुखी के घर पे था। माँ ने कहा बैठ बैठ कि चिकन के समोसे लेके जाएगी तो मुखिया ने तेरे को अंदर दाखिल नहीं करने देगी, और ये हो भी तो नहीं सकता। माँ की गुर्की से चुप तो हो गई, लेकिन अंदर अंदर खिचड़ी पकाती रही, रह न सकी। उसने अपने मन के अंदर नकी किया कि मैं तो ये करूंगी, या मौला तू मुझे तौफीक दे, मैं समोसे बनाऊं और तू समोसे खाए। सुबह हुई, जमात खाने गए, सारी जमात चली गई। मुखियानी ये बुढ़ी को बोलती है, अम्मा मेरे को जाना है एयरपोर्ट के ऊपर, तो ऐसा ना हो कि तुम मेरे घर पे आओ थोड़ा मदद करने के लिए, और अपनी लड़की को भी ले आओ। मुझे बहुत खुश हुई, जरूर मुखियानी माँ मैं आऊंगी। जब घर पहुंचे तो लड़की बहुत खुश थी। एक दरवाजा तो खुल गया, उसके घर जाने का दरवाजा खुल गया। उसने एक मुर्ग लिया, नौकर से ज़िबह कराया और उसका गोश्त निकाला। मूड ये कि इसने 10-10:30 बजे तक समोसे तले और अच्छी तरह से फॉइल के अंदर बंद करके जब मुखिया नीमा के घर पे गई तो इसने इस चीज को छुपा के रखा। मुखिया नीमा तो चली गई। इसने उसको ऐसे ओवन में के जो बहुत लो टेम्परेचर पे रहे रख दिया। घर का काम काज करके इनको भी फुर्सत मिली। मौलाना हजरत इमाम जमात खाने गए, मुखिया ने इधर आई, कुछ बाइयां भी आई, इन्होंने टेबल सजाए। मौलाना हजरत इमाम जब खाने के लिए इसके घर पे आए तो इस लड़की ने चालाकी से वो समोसे निकाल के टेबल सज गया था एक प्लेट में डाल के टेबल पे इस तरह रख दिए कि किसी ने देखा नहीं, और मुखियानी के मेन्यू के अंदर समोसे नहीं थे। मुला के बैठे, जूस पिया, बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद मौला ने कहा चलो अभी हम खाना खाएं। मौला का टेबल अकेला था और मौला के साथ हम लोग जो थे हमारा टेबल जुदा था। मौला जब उठे तो पहले टेबल के ऊपर एक नजर लगाई, नजर दी, आके बैठे। मुखियानी को कहा चाचा पहले समोसे लाओ। कहती खुदा मदाम सॉरी आई डिडंट प्रिपेयर दैट। नो देयर इज यू सी। साहब खुद उठे, सारी प्लेट उठा के अपने सामने रखी और समोसे खाने लगा। मुखियानी हैरान के समोसे आए किधर से। इंसान के दिल के अंदर जो नियत होती है वो मोहब्बत की नियत। इमाम उसी चीज का प्यारा है, माल का, दिखावे का, बड़ाई का, बदलों का, मोटरों का इमाम को कोई ख्याल नहीं। इन चीजों की उन्हें कोई परवाह नहीं। उसके पास तो सारे जहान की, ये सारी सृष्टि की सल्तनत उसकी है। ये जो कुछ भी इस दुनिया में हमें दिखता है ये किसका है? उसका है। और कभी किसी इंसान के कब्जे में खुदा ताला ने कुछ दे दिया तो 25-50 बरस उसके अंदर रहेगा तो छोड़ के चला जाएगा। आदमी के साथ कुछ जाता है, खुदा को एक ही चीज प्यारी है, अपने बंदे की मोहब्बत। और ये मोहब्बत है कि जिसके रास्ते के अंदर बहुत तकलीफें आती हैं। मोहब्बत जो है वो कहते हैं कि इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस। मोहब्बत फूलों की सेज नहीं। मोहब्बत के रास्ते में तो कांटे ही कांटे हैं, बहुत दुख मिलते हैं, लेकिन प्रेमी को इन दुखों के अंदर भी सुख मिलता है।
दुख सुख जो है वो हमारे मन की स्टेट ऑफ माइंड है। जो मोहब्बत करता है मौला से उसको दुनिया के दुख दुखी नहीं कर सकते। मौला से जो प्रेम करता है उसको तो सिर्फ मौला की ही लगनी लगी होती है, और वो दुनिया के अंदर जो रहता है तो मौला के फरमान के हिसाब से रहता है। वो आदमी जो इमाम को चाहता है वो अच्छा मोमन है, नेक है, बेस्ट है। इंसानों के अंदर भी इंसानियत ह्यूमैनिटी की नजर से भी वो बेस्ट ह्यूमन बीइंग होता है। अगर बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ दी बेस्ट है। वो अच्छा आदमी होता है, अच्छा बाप होता है, अच्छा हस्बैंड होता है, या अगर औरतों की तरफ कहूँ तो वो अच्छी बीवी होती है, अच्छी माँ होती है। हमारे दुनिया में जितने भी हमारी ड्यूटीज हैं उसके अंदर वोमन हर चीज में बेस्ट होता है। वो अगर किसी की नौकरी भी करता है, भले सेठ काफर है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी है, वो नौकरी भी ऑनेस्टी से करता है, उसकी डीलिंग्स होती हैं ऑनेस्ट होती हैं। अगर वो किसी का सेठ है और किसी को उसने नौकर बनाया है तो वो नौकर चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो मगर इंसान है, उसके साथ भी वो अच्छा सलूक करता है और बेस्ट मास्टर की तरह रहता है। अगर वो भाई है तो वो आला दर्जे का भाई है। अगर वो दोस्त है तो बेस्ट दोस्त है। मोमन की हर साइड इस तरह चमकती है कि जैसे एक डायमंड, डायमंड के ऊपर उसकी आठ कटिंग्स होती हैं, आठ में से फिर 16 बनती है, 16 में से 32 होती हैं, और बाद डायमंड ऐसे हैं कि जिनमें 64 भी होती हैं, ऐसे भी डायमंड हैं कि 128 साइडें होती हैं। तो डायमंड की कट के ऊपर है किस किस्म की उसकी कट है, लेकिन डायमंड के हर कट के अंदर से लाइट निकलती है। बिल्कुल ऐसा ही मोमन जो है उसकी हर साइड डायमंड की तरह शाइन करती है। फ्रेंड के तौर पे, भाई के तौर पे, हस्बैंड के तौर पे, बेटे के तौर पे, बाप के तौर पे, मास्टर के तौर पे, सर्वेंट के तौर पे, और मौलाना हजरत इमाम की रूहानी बच्चे और मुरीद के तौर पे भी मोमन की हर साइड डायमंड की तरह शाइन करती है। यह है इंसान के लिए वो एम जिसपे हमें पहुंचना है। आम लोगों को इन चीजों की कदर नहीं, ये तो हमारे पीरों के घिनानों के अंदर है। ये जो मोहब्बत का रास्ता है मोमिनों, मैंने आपको अर्ज की, मुश्किल रास्ता है। इसमें दुख है जाहिर में, लेकिन आपने अगर नकी कर लिया तो ये दुख मेल्ट हो जाते हैं। अगर एक इंसान नकी कर ले ले कि मुझे इबादत करनी है, मुझे अच्छा दुनिया में इस्माइली तरीके रहना है, तो फिर उसके लिए तमाम आड़खीलियां प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और उसके दिल के अंदर कोई दुख नहीं होता। एक गिनन का पाठ बोली, हे जी रोपल कटारी तन मारिए अने वेंदी है अंगो अंग और पीड़ा जो हो वे प्रेम की तो जाई मिलो हरी रंग। रोपल कटारी, चांदी की तलवार। कटारी कहते हैं डैगर को, चांदी का डैगर अपने अंदर मारो और इस तरह लगाओ कि तुम्हारा अंग अंग जो है वूंडेड हो जाए। फिर जो पीड़ा होगी प्रेम की पीड़ा, तब तुमको हरी का रंग मिलेगा। शम्स तबरेज हमारे इमाम मौलाना अलाउद्दीन मोहम्मद के बेटे थे, मौलाना शम्सुद्दीन के चाचा होते थे। 18 साल की उम्र में 42 बरस के रूमी को उन्होंने मजहब सिखाया। जलालुद्दीन रूमी, जिसको आमतौर पर मौलाना रूमी कहते हैं, वो उस जमाने का आखिरी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम शख्स था इस्लाम के अंदर, लेकिन शरीयती था, उसकी आंखों के अंदर रूहानियत नहीं आई थी। लेकिन इतना बड़ा आलिम था, दिल उसका तैयार था। इमाम ने
अपने फर्जंद को उसके पास भेजा। 18 साल की उम्र मौलाना शमसुद्दीन तबरेज, शहजादा शमसुद्दीन, अलग जवानी 18 साल की उम्र में, बड़े तीव्र थे, यानी बहुत एक्टिव थे, बहुत एजाइल थे, आंख की पलक में किधर किधर चले जाते थे। उनका लकब पड़ गया परिंदा। परिंदा कहते हैं बर्ड, वो बर्ड की तरह उड़ते थे। बाद लोग इधर देखते हैं तो शाम के वक्त वो ऐसे मकाम में होते थे कि जहाँ लोग 2-3 दिन में पहुँचते हैं। इन्होंने जाके जलालुद्दीन रूमी को जगाया। मैं सारी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, बहुत वक्त चाहिए, लेकिन जलालुद्दीन रूमी के दिल के जख्मी कर दिया। जख्मी इस तरह किया कि अपने स्टूडेंट के सामने वो खड़ा था, पानी का एक पूल था, स्विमिंग पूल की तरह, अंदर कमल के फूल थे, उसकी पाल के ऊपर, दीवार के ऊपर बैठा था, किताबें लिखी हुई बाजू में पड़ी हैं, सामने उसके स्टूडेंट्स बैठे हैं, और इस बगीचे के अंदर जो उसके घर का बगीचा था लेसन दे रहा था, वो शरीयत सिखा रहा था। हजरत शमसुद्दीन भागते भागते इसके पास आके बैठ गए। देखा तो फकीर दरवेश की तरह की सूरत थी, दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, आंखों के अंदर जब आंख डाली तो इसके बदन के अंदर एक करंट लगा। ये समझ गया कि ये कोई मामूली छोकरा, तूफान करने वाला लड़का नहीं है। कुछ बोला नहीं। अब वो किताबें पढ़ी थी, हजरत शम्स तबरेज वो किताबों को पकड़ के इधर उधर देखते रहे, तो 2-3 दफा इसने आंख से ऐसा क्रोध जाहिर भी किया, मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन लेसन देते देते उसकी तरफ देखा कि कभी मुझको देख के ये रख दे रहे। मगर शमसुद्दीन तबरेज उसको ढूंढते रहे, देखते रहे, पूछा आस्था से उसको इंटरप्ट करके, ये शेख इसमें क्या है, यानी ये किताब में क्या लिखा है। उसने गुस्से से, अंदर से जला हुआ तो था ही, गुस्से से बोला कुछ नहीं, तुमको समझ नहीं आएगी। हजरत शमसुद्दीन ने किताबें रख दी, चुपचाप बैठ गए। उसकी जब कंसंट्रेशन लेसन में हो गई तो ये सारी चौपड़ियां उठाई और पानी में फेंक दी। और पानी में जो फेंक दी तो ये खड़ा हो गया डर के मारे, शॉक के मारे। सब स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए, और कुछ तो मारने के लिए भी आने की तैयारी में थे, लेकिन इसने सबको रोक दिया। ऐसा मुंह बनाया इसने, तूने क्या किया, सारा इल्म फेंक दिया। और वो जमाने के अंदर जो स्याही होती थी वो तो पानी में डालने से फौरन डिसॉल्व हो जाती थी। इसके सारी जिंदगी की जो इल्म लिखा था किताबों में अपनी नजर के सामने बर्बाद होता देख के इसके कलेजे को बहुत धक्का लगा। ये जो धक्का लगा ना कलेजे को, जो दुख लगा ना, यही दुख ने इसको खड़ा कर दिया रूहानी हिसाब से। बहुत दफा दुनिया के अंदर हमारा कोई अजीज गुजर जाता है, हमारे दिल को बहुत दुख लगता है। कभी बहुत मेहनत से कमाई हुई दौलत चली जाती है, जैसे युगांडा वालों की चली गई, मकान चले जाते हैं। दुनिया के इन दुखों से बहुत दफा रूहानियत को बूस्ट मिलता है। दुनिया के दुखों से घबराना नहीं चाहिए। मौला ने कोई कारण से ये दुख भेजा होगा, या हमारे गुनाहों की वजह है, या उसने हमारी बूस्टिंग के लिए, रूहानी बूस्टिंग के लिए एक तरीका निकाला है। जब मौलाना शम्स ने देखा कि इसके दिल को चोट लग चुकी है, हंसने लगे, अंदर हाथ डाला, एक किताब बाहर निकाल के ऐसा ऐसा उसको झटका, उसमें से धूल निकली, ऐसा रख दिया। रूमी ने देखा कि इसमें से धूल निकली, पानी में से किताब निकली और अंदर से धूल निकली, हाथ लगाया तो किताब सूखी, खोल के देखा तो अंदर कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं था, पानी का कोई ट्रेस भी नहीं था। दूसरी किताब निकाली, तीसरी किताब निकाली, हजरत शमसुद्दीन ने, तबरेजी ने सारी किताबें निकाल के ऊपर रख दी और हंसते हंसते एक निगाह डाली, ये गए, ये गए, ये भाग गए, चले गए।
ये पीछे से भागा, कहता ये क्या है? तो आपने मुड़ के कहा तू नहीं समझेगा, वही जवाब उसको दिया। मौलाना रूमी को जो चोट लग गई, बस वो चोट लग गई, उसकी अंदर की जो आंखें थी खुल गई, वो शरीयत के बंधन से छूट गया, लगा के गायब हो गए। 3 बरस तक एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। पता लगा कि कब्रिस्तान में एक मकान में रहते हैं। आया तो दूर से देखा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खिड़की के पास, विंडो के पास हजरत शम्स बैठे हैं, आंखें बंद हैं। इतना खुश हुआ, दो जहान की दौलत मिल गई। 3 बरस के बाद जिसको ढूंढ रहा था वो यहाँ मिला। बहुत देर तक वो दीदार करता रहा, दिल खुश हो गया। आहिस्ता 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 दादर चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया। एक ही रूम था, दूसरा कोई विंडो भी नहीं थी, और ये एक ही विंडो थी। ऊपर गया तो रूम खाली। बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो दादर में ये सीढ़ी के ऊपर अकेला आया। अंदर जाके इसने जब विंडो में से देखा तो हजरत नीचे थे और विंडो काफी ऊंची थी। फिर ये नीचे उतरा तो देखा हजरत ऊपर हैं। ये फिर ऊपर गया तो हजरत नीचे हैं। जब तीसरी दफा ऐसा हुआ तो नीचे से मौलाना शम्स फरमाते हैं, मुर्शिद को मिलने का तरीका कोई सीढ़ियों की जरूरत नहीं होती। ऊपर से उसने छलांग मार दी, हाथ पांव टूट गए, लेकिन मुर्शिद के पांव पे आया। ये पहली मेहरबानी हुई उसके ऊपर, हाथ रखा, पांव को हाथ लगाया, वो ठीक हो गया। और यहाँ उसको कुछ हिदायत की कि भाई ये करो। ये पहला मौका था कि उसको इसमें आजम मिला जो शरीयत के अंदर नहीं है, मुल्ला को पता नहीं है इस चीज का। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और उसकी सारी जिंदगी हकीकत में पहुँच गई। उस दर्जे पे पहुँचा कि इमाम जैसा नूर अपने फरमानों के अंदर जलालुद्दीन रूमी की मिसाल और एग्जांपल दे रहे। इमाम सुल्तान शाह ने 2 दफा अपने फरमानों के अंदर उसका जिक्र किया है। दुनिया के अंदर हमें रहना है, मालदार बनो, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से हलाल रोजी, आत्मा के लिए हलाल रोजी बहुत जरूरी है। जिस तरह दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं, यूनिवर्सिटियों के कायदे हैं, हर एक कोर्स का टाइम होता है, कायदे होते हैं, ड्यूरेशन होती है, मोमिनों इसी तरह से हमारी जो रूहानी अजमत है, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है, उसके भी कुछ कायदे हैं। रूहानी अगर डेवलपमेंट चाहिए और शराब पीनी है तो ये 2 चीजें नहीं होंगी, एक चीज छोड़ दो। रूहानियत अगर चाहिए तो शराब छोड़ दो, और कभी शराब चाहिए तो फिर रूहानियत छोड़ दो, बैतुल ख्याल की जरूरत नहीं। इसी तरह से सिगरेट है, इसी तरह से ड्रग्स है, इसी तरह से लालच है, इसी तरह से ईर्ष्या है, इसी तरह से हसद है, इसी तरह से बदनजरी है, इसी तरह से दुनिया में जितने भी फैन फतूर और गुनाह हैं, उनके होते हुए इबादत नहीं हो सकती। इबादत करने के लिए पाक पाकीज़ा दिल चाहिए, दिल पाक होना चाहिए। अगर दिल मैला है, जिसमें शैतानी विचार और ख्याल भरे हुए हैं, उसके अंदर हज़रत इमाम का नूर कैसे पैदा हो सकता है? अगर दिल में हमको इमाम का नूर चाहिए तो हमारे दिल के अंदर पाकीजगी आनी चाहिए। वो पाकीजगी हमारा इस्माइली मजहब हमको सिखाता है, पाक बनो, पाक बनो। और ऐसे पाक बनो कि हजरत इमाम की जब ध्यान लगाओ तो दीनदारों 1-2 मिनट के अंदर आपका प्लेन उड़ने लग जाए। टेक ऑफ जो है यही मुश्किल है। इंजन में अगर ताकत नहीं होगी तो प्लेन उठ नहीं सकता, वो तो गिर जाएगा। इंजन की ताकत चाहिए, और इंजन की जो ताकत है वो हजरत इमाम की मोहब्बत है। और जिसके दिल में हजरत इमाम की मोहब्बत है, दीनदारों उस आदमी के दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की लोभ लालच, दुनिया की बदनियां, दुनिया के गुनाह उस आदमी के दिल में नहीं होते। हमारा इस्माइली मजहब है वो रूहानी मजहब है। इस मजहब के अंदर हमें अपनी रूहानी अजमत करनी है, क्योंकि हमें एक दिन गुजर जाना है।
और गुजरने से पहले हम उस मंजिल तक पहुंच जावे कि इधर हमारी आंख बंद होवे, सामने एरोप्लेन तैयार होवे और मौला की हुजूर में पहुंच जावे। इसको, इस एरोप्लेन को जिनानों के अंदर वैमान कहा है। वैमान कहते हैं उड़ने वाला कोई यंत्र जिसके अंदर बैठ के लोग उड़ जावे, उसको वैमान कहते हैं। हमारे जिनानों में है ये नाम। जैसे इंसान की मौत का वक्त आएगा उसको वैमान लेने के लिए आएगा और वो इमाम के हुजूर में जाएगा। हमारी सुबह की जो इबादत है वो एक वहीकल है। दस वक्त अपनी बराबर दो, तीन वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, जमात खाने की हाजिरी बराबर रखो, अल्लाह मेरे सुबह आया करो। खसूस जो नजदीक रहते हैं उनके ऊपर तो ये फर्ज है कि सुबह जमात खाने में आओ। अगर सुबह आप जमात खाने नहीं आ सकते दूर होने के कारण से, तो कम से कम 4 बजे खटला छोड़ दो, जमीन पर बैठ के, कारपेट पर बैठ के। 1 घंटा नहीं बनता तो आधा पौना घंटा भी मगर इबादत करो। ये इबादत ही हमारे मजहब का एसेंस है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे दे, हकीकती समझ दे दे, हर गुनाह से बचावे, हर नाफरमानी से बचावे, शैतान के तसल्लुत से बचावे। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, मौला आपकी दुआएं कबूल करे, दसवें सुतरीत में पूरा रखे, जहर बातुन में आपको नियामतें दे दे, दिनों दुनिया में सुखी आबाद करे।